तो देखिए मैंने यहाँ पर अठारह फंदे लिए हैं सोलह फंदे इसके चार के मल्टीपल से लिए हैं यानी कि चार बार चार चार फंदे लिए हैं तो सोलह फंदे हो गए प्लस दो फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए लिए हैं तो अठारह फंदे हो गए तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो आप चार चार के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे से, से सेट हो जाएगा तो अभी तक हमने इसकी कोई भी रॉ नहीं निकाली है आप जो भी चाहें वो रॉ नीचे से बॉर्डर बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रॉ सीधी साइड तो देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे ये चार फंदों का पैटर्न है दो चार फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो फिर से दो फंदे सीधे एक दो 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 फंदे उल्टे एक, दो फिर से दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हमारे चार पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं लास्ट में दो फंदे हैं सीधे बुन लेंगे एक दो पहली रॉ कंप्लीट हो गई हैं दूसरी रॉ है रॉन्ग साइड इस रॉ में सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे, उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे एक दो दो, दो फंदे सीधे एक दो ये देखिए यहाँ पर हमें दो फंदे उल्टे बुने दो सीधे फिर से दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक, दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो लास्ट में दो फंदे हैं उल्टे बुन लेंगे एक दो तीसरी रॉ है सीधी साइड फिर से पहली रॉ की तरह ही सेम बुनेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो ये देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने दो उल्टे फिर से दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो, दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो लास्ट में दो फंदे हैं सीधे बुन लेंगे एक दो तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है चौथी रॉ रॉन्ग साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो ये देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बुने दो सीधे फिर से दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक फंदे उल्टे एक दो उल्टे, एक, दो फंदे दो. दो. सीधे एक दो फंदे उल्टे एक दो पांचवी रो है सीधी साइड है एक फंदा स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे अभी एक फंदा सीधा बुनेंगे तीन बार धागा रैप करेंगे एक दो तीन सीधा बुन लेंगे तो यही पैटर्न हम बार बार एंड तक रिपीट करेंगे एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे तीन बार धागा रैप करके तो देखिए एक दो तीन सीधा बुनेंगे फिर से एक दो तीन सीधा बुनेंगे 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 एक दो तीन सीधा बुन लेंगे एक दो तीन सीधा 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 एस्टिच भी सीधा ही बुनेंगे पांचवी रॉ कंप्लीट हो गई है छठी रॉ है रॉन्ग साइड ए स्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे चार फंदे अनरैप करेंगे एक दो तीन चार लेफ्ट नीडल पर चारों फंदे लेकर जाएंगे अब चार फंदे क्रॉस करेंगे पीछे के दो फंदे आगे के दो फंदों के ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे अब चारों फंदे उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है इसमें हमने चार फंदे अनरैप किए और फिर चार फंदों को क्रॉस करके उल्टा बुना फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे चार फंदे अनरैप करेंगे एक दो तीन चार चारों फंदे क्रॉस करेंगे और उल्टा बुन लेंगे एक दो तीन चार फिर से चार फंदे अनरैप करेंगे एक दो तीन चार क्रॉस करेंगे चारों फंदे इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और उल्टा बना लेंगे एक दो तीन चार फिर से चार फंदे अनरैप करेंगे एक दो तीन चार और चारों फंदे क्रॉस करेंगे दो फंदे ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे और उल्टा बना लेंगे एक दो तीन, चार ए स्टिच भी उल्टा ही बुनेंगे तो देखिए छठी रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए फ़र्स्ट और राइट साइन दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो फिर से दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे उल्टे एक दो लास्ट में दो फंदे सीधे बुन लेंगे एक दो ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो देखिए दोनों साइड बहुत ही प्रिटी लगती हैं तो कोई भी साइड आप यूज़ कर सकते हैं या इसे आप जिस तरह दोनों साइड का प्रोजेक्ट रहता है उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं मफरल वग़ैरह में इसे डाल सकते हैं तो देखिए ऐसे ही बार बार इसकी वन टू सिक्स और रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज़ कार्डियन में लेडीज जैकेट में गर्ल्स टॉप में बच्चों के स्वेटर में इसे आप मफरल में भी अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस और पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए पैटर्न लेकर तब तक के लिए बाय फ्रेंड